गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आपका चैप्टर चल रहा था ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 6B। जिसमें कि आपको क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे कुछ क्वेश्चंस दोबारा करा रहा हूँ, आप एक बार और समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 था इसका, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है 8 + x और 8 - x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है, 4th था। अब देखिए ये 8 + x और 8 - x, इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी a² - b² जो होती है a + b और a - b। क्लियर क्लास? क्या होती है a² - b² a + b a - b। तो उसके अंदर जो आइडेंटिटी लगेगी उसके हिसाब से क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया आपका 8² - x² आप जानते हैं 8² कितना होता है 64 और x² क्या रहेगा x², तो आपका आंसर क्या हो गया 64 - x². क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन है 5x² + 3/4y² 5x² - 3/4y² इसके अंदर भी आइडेंटिटी यही वाली लगेगी जो इसमें लगी है a² - b² यानी a + b और a - b, तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, तो ये हो गया 5x² - 3/4y² का स्क्वायर। क्लियर? 5 का स्क्वायर होता है 25, x² का स्क्वायर कितना हो गया x⁴। क्लियर? और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, y⁴। 25 x⁴ - 9/16 y⁴। क्लियर? ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है क्वेश्चन नंबर। x + 1/x x - 1/x। क्लियर? इसमें भी यही वही आइडेंटिटी लगेगी a² - b² a + b a - b, ए की वैल्यू x² और बी की वैल्यू 1/x² का स्क्वायर। ये हो गया आपकी x² - 1/x². क्लियर है क्लास? समझ में आ गया? ये था a + b a - b, आइडेंटिटी थी a² - b² a + b a - b, ए की वैल्यू x का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए, बी 1/x² हो गया, ये हो गया आपकी x², ये हो गई 1/x², ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th है 1/x + 1/y 1/x - 1/y, इसके अंदर भी ये आइडेंटिटी लगेगी a² - b² a + b a - b। क्लियर क्लास? तो देखिए a की वैल्यू 1/x² - 1/y² ये हो गई 1/x² - 1/y² ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4th का 8th वाला। ओके क्लास, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन
उसमें फाइव है। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायरिंग बाइनोमियल, यूजिंग फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग बाइनोमियल एवल्यूट द फॉलोइंग। आपको स्क्वायरिंग बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना है और एवल्यूट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 54 का स्क्वायर। देखिए अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है, तो चाहते तो हम 54 का मल्टीप्लाई 54 में करते थे आंसर आ जाता, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको इसको बाइनोमियल फॉर्म में तोड़ना है। लिखिए 54 को लिख दिया मैंने 50 प्लस 4 का स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने 54 को लिख दिया 50 प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला लगाइए इसके अंदर, ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस बी यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 50 × 4। क्लियर क्लास, 50 का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जीरो है इसकी जगह दो जीरो आ जाएंगी, 2 2 5 डबल 0। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 2 4 8 5 40, ये हो गया 400। जब प्लस कर लीजिए 2 5 डबल 0 प्लस 400 प्लस 16 हो गया 6, ये हो गया 1 5 4 9 और 2 2 9 1 6, ये आपका आपका आंसर। क्लियर है क्लास, समझ में आ गया। 50 को लिख दिया 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ लगा दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 4 प्लस 2 × 50 × 4, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डबल 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 10 10 4 40 400, इन तीनों को प्लस कर दिया आ गया 2 9 1 6। ओके क्लास, अब है आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 82 का स्क्वायर। 82 केस में लिख दीजिए 80 प्लस 2 का स्क्वायर, साइड में रफ बना लीजिए, ये रफ वर्क है, तो इसमें भी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 80 × 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 0 संग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4, 8 4 32, 320। आप सॉल्व करिए 6 4 डबल 0 3 2 0 प्लस 4, प्लस करेंगे 4 का 4 2 और 0 2, 4 3 7 6 7 2 4। क्लियर है क्लास, समझ में आ गया, एक बार और देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ जाना चाहिए, बाद में आपको कोई परेशानी होती है। सिक्स सेवन टू फोर, अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। थर्ड है 103 का स्क्वायर। देखिए हम इसे प्लस की बालों में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सब ऊपर हैं, 0 से ऊपर, 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, नीचे आता तो माइनस करते, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। यहाँ होगा 100 प्लस 3 का स्क्वायर, हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 3। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का 1 आ गया, 1 2 2 की वजह कितने 0 हो जाएंगे 4। हमेशा स्क्वायर में जब स्क्वायर पूछा गया हो तो 1 0 दे रखा हो तो
तो 2 जीरो लगा दीजिए, 2 दे रखे हो तो 4 लगा दीजिए, 3 दे रखे हो तो 6 लगा दीजिए, 10 डबल कर दीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 2 3 6, ये हो गया 600। आप सबको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 1 2 3 4 प्लस 600 प्लस 9, 9 0 6 0 1, 10609, ये हो गया आपका 103 का स्क्वायर। ओके क्लास, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पर, क्वेश्चन नंबर 6th पर। क्वेश्चन नंबर 6th में भी यही है, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग बाइनोमियल एवल्यूट द फॉलोइंग, उसमें भी यही करना है, उसमें कुछ थोड़ा चेंज कर दिया है, 69 का स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 60 प्लस 9 नहीं करेंगे, 60 प्लस 9 करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें करेंगे हम 70 माइनस 1, करेंगे 70 माइनस 1, हम लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 70 × 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 00 प्लस 1, 7 × 14 = 40, 140, ये हो गया 1401। मैंने 4900 में 1 का प्लस कर दिया 1401, और 140 को माइनस करना है, 1 का 1, 10 में से 4 का कितना बचा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 7, ये हो गया 4761। क्लियर है क्लास, इस चीन का स्क्वायर था, उसको दिया आपने 70 माइनस 1, यह लगा दिया आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 1 माइनस 2ab, 70 का स्क्वायर 4900 प्लस 1 माइनस 7 × 14 = 140, 1401 माइनस 140 होगा 4761। क्लियर क्लास, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला। अब देखते हैं 6 का सेकंड, 78 का स्क्वायर, ये होगा 70 प्लस 8, यह ले सकते हैं, एक ये भी तरीका सही है, इसे ले सकते हैं हम 80 माइनस 2। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी तरीका सही है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा बैठ रहा था, इसमें थोड़ा छोटा बैठेगा, तो ये तरीका ज़्यादा सही है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये बड़ा तरीका है। 80 माइनस 2 लगाइए, 80 माइनस 2, ए माइनस बी, ये ए और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 2, माइनस 2 × 80 × 2, आप समझ गए होंगे कि वाला क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि 70 और 80 करना पड़ता, 80 करना पड़ता बहुत लंबा जाता है, 2 का करना पड़ेगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 00 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 = 8, 4 = 32, 6404 प्लस कर दिया मैंने इसके डायरेक्टली, ये हो गया 320 को मैंने माइनस कर दिया, 4 का 4 आ गया, 10 में से 2 का कितना बचा 8, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 3 का 0 बचा, ये हो गया 6084, ये हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 3rd। 3rd है 197 का स्क्वायर, इसमें लिखेंगे 200 माइनस 3, आइडेंटिटी यही लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 200 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 200 × 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जीरो की होती 4 जीरो, प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 × 4, 4 × 3 = 12, 1200, प्लस करिए इसका पहले इसमें करेंगे तो 1 2 3 9 आ गया, और 1 2 0 दोबारा कर लीजिए, गलती हो गई,
नाइन का नाइन आ गया, ठीक है क्लास। जीरो का जीरो आ गया, टेन में से एट टू गया तो एट बचा, या नाइन नाइन में से बन गया तो एट बचा, या रह गया थ्री, तो आ गया थ्री एट एट जीरो नाइन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ और थर्ड, ये था सिक्स का थर्ड क्लास। इसका कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही करा रहे हैं। तो आज आपका जो होमवर्क है वो है ये है, देखिए टू एक्सरसाइज सिक्स डी फोर्थ टू क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज सिक्स डी के क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स तक करके लाने हैं। और कोई समस्या कोई परेशानी हो इस एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कल कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें और इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दें। तो क्लास काम करते रहिए टाइम टू टाइम, अपनी प्रॉब्लम पूछते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।